नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं, दोस्तों अगर आप भी डेली यूज के हिसाब से व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन का यूज करके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे सेंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप पेटीएम एप्लीकेशन यूज करते हैं, गूगल पे एप्लीकेशन यूज करते हैं, फोन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं, अमेजन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं, ये सारे एप्लीकेशन को यूज करके कैसे आप मोबाइल नंबर डाल के जैसे आप पैसे ट्रांसफर करते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को या किसी भी शॉप ओनर को, तो इस तरह से दोस्तों व्हाट्सअप ही अपना ही जो है पेमेंट का फीचर लेके आ चुका है। इसमें जो है आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को या जिनको भी आप पैसे सेंड करना चाहते हैं, उनका यूपीआई आईडी डाल के पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन का यूज करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप पे किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए, पैसे सेंड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे आना है। दोस्तों यहां पे आपको ऊपर टाइप करना है व्हाट्सएप। इसके बाद दोस्तों आपको अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट लिखा हो रहा है, तो चलिए मैं अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल जिस भी चैट को अगर आपको पैसे सेंड करने हैं उनको यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे जब आप चैट करेंगे व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो है, एक आपको जो है नया जो है एक यहाँ पे आइकन दिख जाएगा, रुपीज़ का एक आइकन दिख जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे आप फाइल सेंड करते हैं उसके पास में ही, बगल में ही आपको एक जो है रुपीज़ वाला एक आइकन दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बोलेगा टू सेंड एंड रिसीव मनी ऑन व्हाट्सएप यू नीड टू ऐड अ बैंक अकाउंट, करोड़ ऑफ पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग पेटीएम पेमेंट्स ऑन व्हाट्सएप। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये बोलेगा योर पेमेंट्स आर सिक्योर ऑन व्हाट्सएप, योर पेमेंट्स आर प्रोटेक्टेड बाय योर पर्सनल यूपीआई पिन, यानी कि आपका जो है पेमेंट बिल्कुल सेफ है और आपका जो है पेमेंट्स है ना वो यूपीआई पिन के थ्रू जो है प्रोटेक्टेड होगा। यहाँ पे बोलेगा व्हाट्सएप डजन स्टोर योर यूपीआई पिन और फुल बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पे व्हाट्सएप आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सिक्योर करके नहीं रखता है, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है और आपका जो यूपीआई वो बिल्कुल सेफ है। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये बोलेगा कि सिलेक्ट योर बैंक अकाउंट, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर आपका कोई दूसरा बैंक अकाउंट है, जैसे मान लीजिए पीएनबी बैंक है या फिर बैंक ऑफ इंडिया है, सिटी बैंक है, यूनियन बैंक है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों ये बोलेगा कि फॉर योर सिक्योरिटी व्हाट्सएप विल सेंड योर बैंक एन एसएमएस टू वेरीफाई योर व्हाट्सएप नंबर। तो यहाँ पे जो है आपका जो है वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आपको जो है आपका वेरीफाई नंबर जो है कर दीजिए। इसमें जो है आपका आपके मैसेज, आपके पास जो है मैसेज की आउटगोइंग होनी चाहिए आपके फोन में। तो यहाँ पे जो भी आपकी सिम नंबर है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये फिर सिम नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और जो है एसएमएस जो है सेंड होता है आपके बैंक अकाउंट में, तो आपके मोबाइल के अंदर, आपके सिम कार्ड के अंदर जो है एसएमएस की आउटगोइंग की वैलिडिटी होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है वेरीफाई हो चुका है फोन नंबर। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे जो इसने बता दिया कि मेरा जो है ये वाला बैंक अकाउंट है, इसी तरह आपका भी जो है बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाता है। तो किसी भी बैंक अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफर करना है तो दोस्तों ऊपर ही ऊपर थ्री डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट लिंक डिवाइसेस, स्टेट मैसेजेस, पेमेंट्स और सेटिंग्स। तो यहाँ पे पेमेंट्स वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। पेमेंट्स वाले बटन में जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे है, ये बोलेगा सेंड अ फ्रेंड वन रुपए फ्रॉम योर बैंक अकाउंट एंड सी हाउ इजी इट्स टू यूज पेमेंट्स ऑन व्हाट्सएप, यानी कि आप इस पे क्लिक करके सेंड मनी पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर नीचे दोस्तों यहाँ पे जो है आपको न्यू पेमेंट वाला बटन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों ये आपको बोलेगा कि कौन से आपके बैंक, कौन सा जो है मोबाइल नंबर है जिनको जो है आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये नहीं कर सकते तो इसके अलावा दोस्तों आप सेंड टू अ यूपीआई आईडी, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको आपकी यूपीआई आईडी डालनी देनी है, जिस भी यूपीआई आईडी पे आपको पैसे ट्रांसफर करना है। तो चलिए मैं यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने यूपीआई आईडी डाल दी है। कोई भी यूपीआई आईडी, चाहे आपके पास पेटीएम की यूपीआई हो, चाहे गूगल पे यूपीआई हो, चाहे बैंक की यूपीआई हो, चाहे भीम यूपीआई हो, चाहे फोन पे यूपीआई हो, जिस भी यूपीआई पे आपको पैसे ट्रांसफर करने होते हैं वो यहाँ पे आपको डाल दीजिए और वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है और वेरीफाई करता है। इसके बाद दोस्तों ये पूछेगा कि आपको कितने अमाउंट जो है कितना सेंड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे मैंने 100 रुपये यहाँ पे डाल दिए, 100 रुपये मुझे सेंड करना है इस वाली यूपीआई आईडी पे, तो नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये बोलेगा कि सेंड टू दिस यूपीआई आईडी फ्रॉम यूजिंग योर यूपीआई आईडी। तो आपका यूपीआई आईडी से इस वाली यूपीआई आईडी पे जो है पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और कितने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, 100 रुपये। तो हम सेंड पेमेंट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अभी बोलेगा ऑथराइज पेमेंट विद पिन, तो यहाँ पे जो है पिन वाले की इन्फॉर्मेशन आपसे बोलेगा। अभी बोलेगा दोस्तों टू सेंड अ पेमेंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट यू नीड टू एंटर इट्स यूपीआई पिन। तो आपका जो भी यूपीआई आपने बनाया होगा, यूपीआई क्रिएट करते हो, वो यूपीआई यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगेट यूपीआई पे क्लिक कर दीजिए। तो मुझे याद है तो मैं कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों आपको जो है आपका यूपीआई डाल देना है, तो आपका 6 डिजिट का जो भी यूपीआई आईडी होता है वो यहाँ पे डाल देना है। तो यूपीआई आईडी मैंने डाल दिया और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है पेमेंट जो है प्रोसेसिंग में चल रहा है
और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ पे लिखा आ गया पेमेंट शुड नाउ बी इन दिस यूपीआई आईडी बैंक अकाउंट सेंड टू दिस यूपीआई आईडी। यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट आ जाता है आपके बैंक अकाउंट से इस वाले यूपीआई आईडी पे जो है पैसे जो है चले जा चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है आप बैक कर लीजिए और यहाँ पे जो है आप इस तरह से व्हाट्सएप एप्लीकेशन का यूज करके जो है पैसे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप किसी भी चैट पे जाके भी जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे जो है इस वाली यूपीआई आईडी में इस वाली व्हाट्सएप चैट पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे नीचे आपको रुपीज का आइकन यहाँ पे दिख जाता है। अगर इन्होंने जो है अभी तक व्हाट्सएप पेमेंट जो है इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इनवाइट दिस टू योर पेमेंट्स सो देन यू कैन ट्रांसफर मनी टू ईच अदर ऑन व्हाट्सएप। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि इन्होंने अभी तक जो है व्हाट्सएप का जो पेमेंट सिस्टम है वो अभी अनेबल नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे सेंड इनवाइट वाले बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं तो जो है वो अपना जो है इनवाइट लेने के बाद जो है अपना व्हाट्सएप पेमेंट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप भी व्हाट्सएप पर अपने किसी भी दोस्तों को रिश्तेदारों को रिलेटिव्स को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि अदर्स भी आपके जो फ्रेंड्स हैं तो वो भी जो है इसका व्हाट्सएप का पेमेंट सिस्टम का जो है एनेबल कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए बोलते रहे हैं।